वर्तमान समय चारों ओर नवरात्रि की धूमधाम समाप्त हुई नहीं है, तब तक चारों ओर दीपावली के आगमन की शुभ बधाइयाँ एक दो को देना शुरू हो गया है। दीपावली की बहुत सुंदर तैयारियाँ घर घर में भी हो रही है और सोशल स्तर पर भी हो रही है। हर त्यौहार किसी न किसी घटना का यादगार होता है। आने वाली दिवाली भी दो युगों का यादगार है। एक युग है कलयुग का एंड और सतयुग का आदि, कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग, जिसमें महाज्योति परमात्मा धरा पर आते हैं। कलयुग के अंधकारमय वातावरण में ज्ञान के आधार से मानव आत्मा की ज्योति को जगाते हैं और जिस जिस मानव आत्मा की ज्योति जग जाती है, अर्थात जिन जिन को ये स्मृति आ जाती है कि मैं वास्तव में आत्मा हूँ, चेतना हूँ, दिव्य स्टार हूँ, आई एम नॉट बॉडी, परंतु इस बॉडी को चलाने वाला मैं एक चैतन्य सितारा हूँ, शक्ति हूँ, उसके जीवन में आनंद, प्रेम, सुख, शक्ति की बरसात होना शुरू हो जाती है। इस संगम युग पर मानव आत्मा की ज्योति जो अंधकार में थी, भटक रही थी, सुख शांति सकारात्मकता से दूर गई थी, वो आत्मज्योत परम ज्योति परमात्मा महाज्योति परमात्मा परम पिता परमात्मा शिव से अपना सुंदर नाता जोड़ देती है कि भगवान मेरा पिता है, मैं उसकी अत्यंत लाडली संतान हूँ, उसकी कृपा, उसकी छत्र छाया, उसका प्यार, उसकी संपत्ति सब मेरा अधिकार है। और उस अधिकार वाणी से, अधिकार स्थिति से वो ईश्वर से मिलन मनाती रहती और ईश्वर की शक्ति, ईश्वर का आनंद, ईश्वर की शांति अपने में भर देती है, तो सचमुच उसके जीवन में एक दिवाली आ जाती है, आनंद उस परिवार में छा जाता है। साथ ही साथ परमपिता परमात्मा शिव आकर लाखों आत्माओं की, करोड़ों आत्माओं की ज्योति को जगाते हैं और इस संसार के युग को परिवर्तित कर देते हैं। अर्थात कलयुग के बाद, संगम युग के बाद सतयुग आ जाता है, जिस सतयुग में हर इंसान, हर नर नारी देवता रूप में होते हैं, स्वस्थ होते हैं, समृद्ध होते हैं, प्यारे होते हैं, सुंदर होते हैं, निसर्ग भी बहुत सात्विक होता है, मानवात्मा भी सात्विक हो जाती है और चारों ओर एक खुशहाल वातावरण हो जाता और सचमुच श्री महालक्ष्मी कहो या श्री लक्ष्मी, श्री नारायण, इनका राज्य इस धरती पर आ जाता। और जहाँ महाराजा महारानी ही लक्ष्मी नारायण है, तो यथा राजा रानी तथा प्रजा, इस उक्ति के आधार से उनका सारा ही परिवार देवी देवताओं का होता है, जो इस संसार में 2500 साल रहता है। और इस 2500 साल में हर